मनोज जी, देखिए आज आपको हम बहुत सारा एक्सेल में ट्रिक बताते हैं, ठीक है। कैसे टेबल बनाया जाता है, कैसे डिफरेंस किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, आज टोटल आपको एक ही एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं। ओके, पहले देखिए शॉर्टकट किसे, आप पहले इसको क्या कीजिए, पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए फॉर्मेट के लिए, एक क्रिएट टेबल के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी टाइप किया यहाँ पे, ये देखिए कंट्रोल डी, ये क्या हुआ आपका टेबल बन गया। कितने सिंपल में आपने इसको टेबल, इसी तरह आप कोई भी बड़ा सा बड़ा फाइल को लेकर सिलेक्ट कर आप टेबल इजीली बना सकते हैं। अब आइए दूसरा चीज में देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट ए है लिस्ट बी है, इसमें क्या करना है, दोनों में लिस्ट ए में और लिस्ट बी में अगर आपको डिफरेंस चेक करना है तो कैसे चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, कंट्रोल कर स्लैश टाइप करेंगे, कंट्रोल कर ये स्लैश टाइप किया, यहाँ पे देखिए आपको वो बॉक्स बनकर आ गया। अब इस पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे कलर कर देंगे, ये देखिए कलर हो गया। ये दोनों लिस्ट ए से और लिस्ट बी से दोनों में मैच नहीं कर रहा है, ये कितना सिंपल तरीका है, आप एकदम शॉर्टकट की के थ्रू ये दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। अब इसी तरह से आइए, अब आके चेक कीजिए ये क्विक एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्विक एनालाइज का देखिए, अभी हम आपको बताते हैं क्विक एनालाइज के लिए, ये इसका फुल शॉर्टकट की होता है कंट्रोल क्यू। क्विक एनालाइज कैसे करते हैं अभी आप चेक कीजिए, यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद किया कि कंट्रोल क्यू प्रेस किया, यहाँ पे देखिए आपको ये बनकर चलाया। अभी आपको ये डेटा बार्स लगाना है तो इस तरह इस पर क्लिक कर लेंगे, कलर करना है कलर कर सकते हैं, आइकन सेट करना है आइकन सेट कर सकते हैं। अभी आपको चेक करना है कि इसमें ग्रेटर देन करना है तो वो देखिए आ जाएगा, टॉप 10 में ये भी आ जाएगा, आपको क्लियर कर सकते हैं इससे, इससे आप क्विक एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपली एकदम आप इसके थ्रू। अब इसके बाद आइए क्रिएट चार्ट, क्रिएट चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसका भी सबका आपको टोटल का सबका हम शॉर्टकट की बताते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की के थ्रू आप इधर से भी बना सकते हैं मेनू से भी, बट ये शॉर्टकट की है। अभी क्या करते हैं, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सबको सेलेक्ट करते हैं। अभी इधर देखिए क्या लिखा है, Alt F1, तो क्या करेंगे Alt दबाकर F1 दबाएंगे, देखिए ये आपका चार्ट आ गया। इस चार्ट को आप कहीं भी पकड़ कर ले जाकर इस तरह से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये चार्ट पूरा बनकर आ गया। इसका डिजाइन देखिए, इस पर क्लिक कर इसका कलर इस तरह का आप मतलब अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जिसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको आपकी मर्जी। इसको क्या करेंगे देखिए, ये इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब भी ये Alt F1 ये पूरा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और Alt F1 टाइप करेंगे, Alt F1, ये देखिए चार्ट आ गया आपको। ये चार्ट पूरा आप के ऊपर कौन सा फॉर्मेट लेना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपका चार्ट का हो गया। अभी आप आते हैं नीचे में देखते हैं, अभी ये क्या है, ये अभी सम का लगाने का है। सम का क्या है, अभी आपको इजीली एकदम सम लगा सकते हैं, एकदम पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा शॉर्टकट के लिए, ठीक है। ये देखिए ये इसका भी इधर भी सम करना है, इधर भी सम करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अल्ट दबाकर इक्वल टू टाइप करना है, अल्ट दबाकर ये इक्वल टू टाइप करेंगे, देखिए ये दोनों तरफ देखिए सम होकर आ गया। आपको इधर फॉर्मूला लगाना पड़ा ना, इधर फॉर्मूला लगाना, ये देखिए आप चेक चेंज भी कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये आपका चेंज भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इजीली तरीका है आपको सम का भी फॉर्मूला लगाने के लिए। अब उसके बाद आते हैं ये, अभी एक्सेल में बहुत सारा आपको लिखा रहता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो ब्रेक कैसे करते हैं देखिए, अभी एक्सेल है इसको हम बिल्कुल नी लाइन में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर अल्ट प्लस इंटर टाइप करेंगे, ठीक है, ये अल्ट इंटर टाइप करके न्यू लाइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे इस तरह से, आपका कोई भी बड़ा सा बड़ा एक्सेल लिखा रहेगा इसको, ये देखिए यहाँ पे है, आप यहाँ पे अल्ट इंटर करेंगे ये न्यू लाइन आएगा। तो इसी तरह से आपको टोटल शॉर्टकट की दिया गया है, और देख लीजिए सब शॉर्टकट टी का, कंट्रोल टी से टेबल होता है, कंट्रोल स्लैश से डिफरेंस होता है, और उसके बाद कंट्रोल क्यू से क्यू एनालाइज होता है, और ये सम का ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है।